स्थानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्यन्त्यो वसतु फलवद्यो नौषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पता। तो वो सरदार पटेल थे, साथ ही संसार के अंदर सरदार पटेल एक ऐसा महामानव थे, खंड खंड भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले थे। तो कहा कि वो सरदार पटेल थे। दिल्ली की ओर से आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लोहपुर सरदार पटेल जी की 144वीं जयंती पर राष्ट्रीय अखंडता ध्वज किया गया। आज राष्ट्र के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बन रहा है, ऐसे समय के अंदर देश की अखंडता के लिए ध्वज करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, लोगों को प्रेरणा देना जरूरी हो जाता है। हमारा इस ध्वज के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के संरक्षकों को सख्ती से कुचला जाए, और जो लोग देशद्रोह की भाषा बोलते हैं, राष्ट्रद्रोह की भाषा बोलते हैं, उनसे भी सख्ती से निपटा जाए और सरदार पटेल के सपनों को अमर किया जाए। अपने जो आने वाली युवा शक्ति है और बाकियों को कि देश के लिए कुर्बान हो जाओ, देश ही सबसे आगे है, बाकी सब पीछे हैं। पटेल जी का जो देश के लिए जो योगदान था उसको याद करने के लिए हमने ये यज्ञ किया, और आगे के जो आने वाली पीढ़ी है, जो नौजवान है, उसको ये याद रहे अखिल के कारणों से हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद में खंड खंड होने के बावजूद भी हम इकट्ठे हुए, नहीं तो हम 565 रियासतों में बटे हुए थे, सबके अलग अलग वो थे, इसी के कारण हमको गुलामी सहन करनी पड़ी 800 साल की, और उससे ख़त्म करके हमारे देश को एक किया, और उसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने दी तो वो पटेल साहब ने दी, और उससे पहले अगर किसी ने दी, और पटेल साहब ने भी माना था अगर आर्य समाज ना होता तो मैं इनको एक नहीं कर सकता था। नौजवान को प्रेरणा लेनी चाहिए, वो सरदार लोह पुरुष थे और उन्होंने वो सिर्फ समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए। अगर राष्ट्र के लोग जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी हो, अगर हम लोग उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। लोगों तुम खूब लगा।